डियर सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स असलकम मैं आपकी मैथ टीचर आज हम सीखेंगे सिंपल एक्वेचन की लास्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर फोर पॉइंट थ्री इसकी लास्ट एक्सरसाइज असल में फोर पॉइंट फोर है लेकिन मैंने वो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पहली वाली लेक्चर में इससे पहले लेक्चर में दिए हैं तो आज हम इसको करेंगे एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज नंबर um, 4.3. Question क्वेश्चन नंबर वन the द फॉलोइंग 3x थ्री एक्स प्लस 2 बाय टू इज इक्वल टू वन बाय टू आप इस इक्वेशन को ट्रांसपोजिंग से या एडिंग और सेपट्रैक्टिंग मैथड से कर सकते हैं लेकिन आप इस इक्वेशन को ट्रायल एंड एडर मैथड से नहीं करना सबसे पहले, हम इसमें ट्रांसपोजिंग मैथड यूज करेंगे सबसे पहले थ्री एक्स वेरिएबल को um, अलग करेंगे सेपरेट करेंगे तो इलेवन बाई टू राइट हैंड साइड में वो अपनी ही जगह पे है इसकी साइन चेंज नहीं हो जाएगी हाँ इसकी साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि हमें ये एल एच एस से आर एच एस के और ट्रांसपोज करना है तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी ये बनेगा माइनस टू बाई सेवन बाई टू थ्री एक्स इक्वल टू दोनों को एलसीएम करेंगी क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आएगा टू वापस और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं एलसीएम आता है तो उसके न्यूमरेटर चेंज नहीं हो जाते हैं जो न्यूमरेटर्स रहते हैं वापस आ जाते हैं थ्री एक्स इज इक्वल टू में से सेवन निकालेंगे फोर बाई टू यहां पर आप इसकी कैंसिलेशन करेंगे टू आना टू टू आ फोर थ्री एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इज इक्वल टू क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है दो ये दो थ्री और एक्स तो ये अपोजिट साइड uh, में uh, ये बनेगा डिवाइड तो ये हम निकलेगा टू बाई थ्री आंसर आएगा वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री अब हम इसमें करेंगे एफ वाला पॉइंट एफ वाला पार्ट दिखाएंगे आपको थ्री एक्स बाय टू इज इक्वल टू थ्री बाय फोर आप देख रहे हो ये दोनों डिवाइड में है अपोजिट में ये साइड में आर एच में ये इंटू में चेंज हो जाएगा तो हम ये कैसे करेंगे थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई फोर इंटू टू यहां पर इसकी कैंसिलेशन करेंगे टू वन आर टू टू आर फोर थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री वन आर थ्री डिवाइडेड बाई टू ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में डिवाइड में चेंज हो जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू डिवाइड का इंटू करेंगे चेंज करेंगे डिवाइड को इंटू में तो इसका रेसिपोर्कल हो जाएगा वो आपने देखा है लास्ट वाले क्लास में एक्स इज इक्वल टू यहां पर इसको कैंसिलेशन करेंगे थ्री वन आर थ्री वन आर वन वन आर वन डिवाइडेड बाई टू वन आर टू तो एक आंसर निकला वन बाय टू बाकी पार्ट इसी तरह से करने हैं अब हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट ए थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ करेंगे थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स माइनस इस थ्री से इन दोनों को मल्टीपल करना है और ब्रैकेट को ऑफ करना है थ्री इंटू एक्स बन गया थ्री एक्स माइनस थ्री थ्री आर नाइन इज इक्वल टू ट्वेल्व इसके बाद थ्री एक्स को सेपरेट करेंगे अलग इज इक्वल टू ट्वेल्व अपनी जगह पर और ये माइनस नाइन है ये ट्रांसपोज होकर प्लस नाइन बनेगा थ्री एक्स इज इक्वल टू ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये निकले बनेगा ट्वेंटी वन एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाय थ्री क्योंकि ये इंटू में है तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा थ्री वन आ थ्री सेवन आ ट्वेंटी वन एक्स इज इक्वल टू थ्री नेक्स्ट पार्ट इसमें दिखाएंगे हम आपको ई e, e वाला पार्ट देखिए फोर माइनस फोर हैं ये माइनस फोर ब्रेकेट स्टार्ट एक्ट प्लस एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व सबसे पहले इस माइनस फोर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फोर इंटू ए टू फोर टू आर एट माइनस एट माइनस प्लस माइनस फोर इंटू एक्स बन गया फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स को वेरेबल वाले पार्ट को अलग करेंगे माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व भी अपने जगह पर ही रहेगा राइट right साइड में और ये भी अपने लेफ्ट साइड में इसलिए इसके साइन भी चेंज नहीं हो जाएगी इसके भी नहीं हो जाएगी हाँ इसको ट्रांसपोज करके ये बनेगा ट्रांसपोज करके प्लस एट माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फोर फोर वन आ फोर फोर फाइव और ट्वेंटी एक्स इज इक्वल टू क्योंकि वेरेबल्स कभी माइनस नहीं होते हैं वो ऑटोमेटिकली uh, नंबर के पास चला जाता है तो ये माइनस इधर जाएगा और ये आंसर निकला फाइव माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाकी पार्ट इस इसी तरह से करने हैं अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के ओर क्वेश्चन नंबर थ्री है सॉल्व द फॉलोइंग ये सेम सेम है लेकिन इनको थोड़ा सा आपको आ, कर याद रखना है कि कैसे करने हैं इसमें हम आपको दिखाएंगे सी वाला पार्ट फिफ्टीन इज इक्वल टू फाइव प्लस टू ब्रिकेट में रखेंगे एक्स प्लस थ्री फिफ्टीन इज इक्वल टू फाइव आप सोचोगे हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे नो दैट इज नॉट पॉसिबल इन दोनों को आपस में मल्टीप्लीकेशन है क्योंकि बॉर्ड मास कहता है बी एस इसके रूल से हमें चलना है पहले ब्रैकेट को ऑफ करना है फिर देखना है डिवाइड मत है फिर मल्टीप्लीकेशन आता है फिर एडिशन और लास्ट में सब इसलिए इनको एडिशन नहीं करेंगे आप पहले आपको इनका मल्टीप्लीकेशन करना है अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्लस टू इंटू एक्स बन गया टू एक्स प्लस टू थ्री आर सिक्स इस टू से हमने इनको मल्टीपल किया फिफ्टीन इज इक्वल टू फाइव और सिक्स हो गई इलेवन प्लस टू एक्स अब वेरिएबल को अलग करेंगे या इसको हम यहां लाएंगे एल फिफ्टीन माइनस क्योंकि आ, ये इसको जाना है दूसरे साइड एल एच एस के ओर इसलिए इसकी साइन चेंज हो जाएगी फिफ्टीन माइनस एलेवन इज इक्वल टू टू एक्स ये निकला फोर इज इक्वल टू टू एक्स एक्स इज इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाय टू टू वन आर टू टू आर फोर एक्स इज इक्वल टू आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहे हैं अब इसमें हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वाला ई पार्ट ई पार्ट देखिए कैसे करेंगे हम? फोर एम माइनस सिक्स प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो सबसे पहले इस फोर से इन दोनों को मल्टीपल करेंगे और ब्रैकेट को ऑफ करेंगे फोर इंटू एम फोर एम माइनस फोर इंटू सिक्स फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो ब्रैकेट में है, मैंने इसी के साथ ऑफ किया फोर एम यहाँ पर आप देख रहे हो दो न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं इनको सिंगल बनाएंगे ट्वेंटी फोर में से फिफ्टीन निकालेंगे तो वो रहेगा माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो फोर एम वेरिएबल पार्ट को अलग करें सेपरेट करेंगे इज इक्वल टू ज़ीरो ये ट्रांसपोज होकर प्लस नाइन बनेगा फोर एम इज इक्वल टू इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे नाइन एम इज इक्वल टू फोर डिवाइड नाइन डिवाइडेड बाई फोर क्योंकि ये मल्ट इन तो में है तो ये डिवाइड में चेंज हो ट्रांसपोज हो जाएगा देअर फोर वेरेबल एम इज इक्वल टू नाइन बाई फोर बाकी पार्ट्स इसी तरह से करने हैं आप इन पार्ट्स को अच्छी तरह से कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी पार्ट्स को करने में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं ठीक है तब तक, तक के लिए अल्लाह हाफिज़